नमस्कार दोस्तों, ओसम गार्डन में मैं राकेश शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम जो ये मेरा शमी का पौधा है, शमी का पौधा, इसके लीव्स जो हैं वो एकेसिया जैसे होते हैं और इसको घरों में लगाना शुभ माना जाता है कि घर के गेट पे इसको रखें तो घर में जो क्लेश होता है उससे शांति मिलती है। तो मैं ये लेके आया था, क्लेश तो हालांकि नहीं है बट फिर भी मेरे को ये पौधा अच्छा लगा क्योंकि मैं इसको बोनसाई बनाने वाला हूँ और ये कटिंग से ग्रो किया हुआ है जैसा आपको देख सकते हैं। और इसका जो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही ट्विस्ट दाएं बाएं कहीं भी मुड़ता रहता है और ये एक अच्छा पौधा है। तो मैं इसको बाय करके लेके आया था नर्सरी से लगभग 4-5 महीने पहले। तो 4-5 महीने के बाद मैंने इसको इस छोटे से पॉट में लगा रखा है। तो अब मुझे लग रहा है कि किसकी ग्रोथ काफ़ी रुक गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको बड़े पॉट में, ये जो आप देख रहे हैं ये क्ले पॉट है, मैं सोच रहा हूँ इसको एक बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँ। तो दोस्तों, इसको शिफ्ट करने का और इसके केयर के बारे में आपको बताता हूँ। पहले बात करते हैं इसकी सोइल की। तो इसको जो वेल ड्रेनेज सोइल पसंद होती है, मिट्टी मैंने ये तैयार करके रखी हुई है। इस मिट्टी में मैंने 50% मिट्टी, 30% रेत और 20% 20% मैंने इसमें कंपोस्ट मिलाई हुई है, काव डंक मिलाया मैंने। तो मिट्टी मैंने तैयार की हुई है पहले ही। तो आप पहले मिट्टी तैयार कर लें, गमले को तैयार कर लें और गमले में मेक श्योर कि ड्रेनेज होल होना चाहिए, नहीं हो तो आप ड्रेनेज होल कर लें। और इसको क्योंकि वेल ड्रेनेज सॉइल पसंद है, इसको पानी खड़ा होना गमले में अच्छा नहीं लगता, तो इसको गमले में ग्रो करें। क्यों, अगर आप इसको बोनसाई के लिए कर रहे हैं या फिर घर में रखना है तब भी आप इसको पॉट में ग्रो करें, ज़मीन में भी ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा लुक इसकी बहुत अच्छी है ट्री की। देखिए इसे कितने छोटे छोटे लीव हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने इसको ग्रो किया है और मैं इसको इस पॉट में आज शिफ्ट करने वाला हूँ। उसके बाद आप ड्रेनेज होल पे कुछ ठीकरी या कुछ इस तरह का रख दीजिए जिससे कि मिट्टी बाहर ना निकले जब हम वाटरिंग करें तो। और उसके बाद 1-1.5 इंच की आप मिट्टी की लेयर करके उसको अच्छे से दबा दें। इससे क्या होगा कि जब हम पानी देंगे तो पानी के साथ मिट्टी बाहर नहीं जाएगी और पानी भी जल्दी से बाहर नहीं निकलेगा, तो पौधे की नीड जो है वो पूरी हो जाएगी वाटरिंग की। तो दोस्तों, बेडिंग करने के बाद अब इसको हम इस छोटे पॉट से निकाल लेते हैं। निकालने का तरीका मैं आपको शो करूँगा। तो आइए दोस्तों, इसको निकाल लेते हैं पहले। तो दोस्तों, इसके दोनों साइड आप हाथ रख लीजिए इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप इस गमले को उल्टा कर लीजिए। और इसका जो ये एजिज एरिया है, ये वाला, इसको आप हल्के हल्के यहाँ से ठोकेंगे तो ये इसमें से बाहर आ जाएगा। आप नीचे हाथ लगा के रखिए, पौधा गिरना नहीं चाहिए। दोस्तों, निकल गया है। इसकी रूट्स देखिए, काफी रूट बाउंडिंग हो गई थी इसकी। जैसा कि आपको दिख रहा है, इसकी काफ़ी जो है रूट्स वो कैप्टा बन गया था जिस वजह से इसकी नई रूट डेवलप नहीं हो रही थी और इसकी ग्रोथ रुक गई थी। तो दोस्तों, इसलिए मैं इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ। रिपोर्ट करने के लिए आप इसको गमले में रख दीजिए। इसकी थोड़ा सा हाइट ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़ी सी मिट्टी रिमूव कर लूँगा, थोड़ा सा आप ऊपर से करिए क्योंकि जब ऊपर से रूट बाउल दिखना शुरू हो जाए तो आप ऊपर से मिट्टी हटानी बंद कर दीजिए। थोड़ी सी हम नीचे से करेंगे। देखा आपने कि इसकी रूट्स जो हैं वो काफ़ी डेवलप हो गई थी और जिस वजह से इसकी ग्रोथ जो है वो रुक गई थी। तो हम इसकी जो रूट्स हैं उनको साइडों में फैलाएंगे जिससे कि अच्छे से इसके रूट डेवलप हो सकें। तो हम इसको इस तरीके से इसमें गमले में रख देंगे
और जो रूट्स हैं उनको साइडों में फैला देंगे। कोई ध्यान रहे कि कोई रूट्स नीचे ना दबे, साइडों में ही रहे। तो दोस्तों हमने इसको इसके ऊपर रख लिया है, अब हम इसमें मिट्टी भरेंगे। इसका लगभग मैंने जो है वो काफ़ी रूट बॉल तोड़ दिया है, जिससे कि हम इसको अच्छे से फिट कर सकें इस पॉट में। अब इसमें हम जो हमने मिट्टी तैयार की थी वो साइडों से भरते हैं। बात करें इसकी वाटरिंग की, तो इसको वाटरिंग काफ़ी कम ही चाहिए, ज़्यादा वाटरिंग की इसको ज़रूरत नहीं होती। इसमें वाटरिंग आप कम ही रखिए, ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, पौधा हमारा डाई भी हो सकता है। तो वाटरिंग का बस ये ध्यान रहे कि जब ऊपर का आपको सरफेस एरिया ड्राई फील हो तभी आप इसमें वाटरिंग करें, अदरवाइज़ ना ही करें। अगर आपको इसमें मॉइस्ट फील हो रहा है कि इसमें मॉइस्चर है तो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।